दर्शकों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और आज यानी 18 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा के स्वरूप को 8 भुजाओं वाला माना जाता है। ऐसे में यह आचार्य जी से हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में, पूजा विधि के बारे में, मंत्र और महत्व के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। चेल्सी जी, सभी जानते हैं नवरात्रि चल रही है और आज माता के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उनकी अर्चना की जाती है और माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए इसकी हम एक विवेचना करते हैं। नवरात्रि का चतुर्दिन माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, इसलिए इस दिन बेहद साफ और पवित्र मन से माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर उनकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को लेकर यह प्रबल मान्यता है कि इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं माँ का स्वरूप, महिमा, पूजा विधि, भोग और मंत्र, नवरात्र के चौथे दिन का महत्व। चौथे दिन की अष्टात्री देवी माँ कुष्मांडा है। मान्यता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से संपूर्ण विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं उन्हें आसानी से अपने जीवन में परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यह भी माना जाता है कि माँ की पूजा से भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। जो लोग रोगी हैं वो आज ज़रूर माँ की पूजा करें। इन दिनों घर में खुद को कैसे रखें तनाव मुक्त, अजमाई उपाय ऐसा है कि माँ का स्वरूप माँ कुष्मांडा अष्ट भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। उनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सजे हैं। वहीं दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण किए हुए हैं। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह की है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण लाभ के लिए इन बातों का ध्यान रखें। माँ का मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडाय रूपाण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। और जो बोई हुई जो खेतरी है वो बताती है कि कैसा गुजरेगा आपका ये साल। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि प्राप्त सब उठकर पहले गंगा जल से स्नान करें, उसके बाद माँ कुष्मांडा के रूप की पूजा करें। माँ को लाल रंग के पुष्प, गुड़ या गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्यम चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर करेंगे तो और अधिक आपकी शुभता उस पूजा की बढ़ेगी। इसके साथ साथ समस्त दुखों का नाश होगा। नवरात्र के 9 दिन जाने हर स्वरूप माँ के अर्थ और उनकी महिमा। देवी को प्रिय है ये फल। कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्हाड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दें। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्रह्मांड के कुम्हारे के समान माना जाता है कि जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुम्हारा ना मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भोग लगा सकते हैं। माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करें तो आपकी